السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. क़ुरान करीम के 22वें पारे की तफसीर आपके सामने पेश की जा रही है. 22वें पारे के आगाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को कुछ तालीमात दी गई हैं, कुछ अहकामात दिए गए हैं, और हकीकत यह है कि उनके वास्ते से उम्मत की तमाम ख्वातीन को, उम्मत की तमाम औरतों को यह तालीम दी जा रही है. पारे का आगाज होता है वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहा. ऐ नबी की औरतों, तुम में से जो अल्लाह तबारक व ताला की फरमा बरदारी करेगी और रसूल की फरमा बरदारी करेगी और नेक अमल करेगी, नुतिहा अजरहा मर्रतैन, तो हम उसको डबल सवाब देंगे. वह आतदना लहा रिज़्क़न करीमा, और हमने ऐसी तमाम औरतों के लिए अजरे करीम यानी जन्नत को तैयार करके रखा है. उसके बाद कहा जा रहा है या निसा अन नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा. ऐ नबी की औरतों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम्हारा मकाम बहुत ऊंचा है. फला तखजान बिल कौल, लिहाजा किसी गैर मर्द से तुम लचक के साथ बात मत करो. कुरान हकीम यहां एक मुसलमान औरत को अगर कभी इन केस, अगर कभी गैर मर्द से बात करने की जरूरत पड़ जाए तो कैसे बात किया जाए, कुरान करीम तरीका बता रहा है. फला तखजाना बिल कौल, ऐ नबी की औरतों, अगर तुम्हें किसी अजनबी मर्द से बात करने की नौबत आ जाए, मौका आ जाए, फला तखजाना बिल कौल, तो तुम्हारी आवाज के अंदर मिठास नहीं होनी चाहिए, नरमी नहीं होनी चाहिए, लचक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा अंदाज कड़क होना चाहिए, सामने वाले को यह ना लगे कि यहां हमारी दाल गल जाएगी. अल्लाह तबारक व ताला ने औरत की आवाज में भी एक अट्रैक्शन दिया है, उस अट्रैक्शन की भी हिफाजत करना है. मोबाइल आज के दौर में पैदा हुआ, नबी के जमाने में मोबाइल नहीं था, लेकिन कुरान करीम की इस आयत को आप मोबाइल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं. ऐ मुसलमान औरतों, तुम्हारे घर में तुम्हारे मोबाइल के ऊपर, तुम्हारे टेलीफोन के ऊपर अगर किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आ जाए, किसी गैर मर्द की कॉल आ जाए, कभी तुम्हें अपने मोबाइल के जरिए, तुम्हारे शौहर का मोबाइल घर में रखा हुआ है, तुम्हारे बाप का मोबाइल घर में रखा हुआ है, किसी गैर मर्द की कॉल आ जाए तो तुम्हें कैसे बात करना है, कुरान करीम तरीका बता रहा है. फला तखजाना बिल कौल, तुम्हारी आवाज के अंदर नरमी नहीं होना चाहिए, तुम्हारी आवाज के अंदर मिठास नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज के अंदर कशिश नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा अंदाज कड़क होना चाहिए. सवाल यह पैदा होता है, अल्लाह तूने आखिर औरतों को गैर मर्दों के साथ नर्म आवाज में बात करने से मना क्यों किया. अल्लाह ने जवाब भी दे दिया, फयत मल्लजी फी कल्बिही मरज़ुन, सामने वाला जिसने कॉल किया है तुम्हारे मोबाइल के ऊपर, अगर उसके दिल में कोई गलत ख्याल भी पैदा होने वाला होगा, उसके दिल में अगर कोई बीमारी होगी, कुरान करीम के अल्फाज, बीमारी होगी, पता ये लगा कि जो लोग इस चक्कर में रहते हैं कि किसी लड़की का नंबर मिले और हम बात करें, हकीकत में वो बीमार है, वो दिल के बीमार है, कुरान करीम उनको बीमार कह रहा है. फयत मा लजीफी कल्बिही मरज़ुन,
कहीं ऐसा ना हो कि जिनके दिलों में बीमारी है, जिनके दिलों में मर्ज है, जो दिल के बीमार हैं, यानी जो हवस परस्त हैं, जिनके इरादे नेक नहीं हैं, जो तुम्हारी इज्जतों के साथ खेलना चाहते हैं, उनको मौका न मिल जाए। तुम्हारी मीठी मीठी आवाज सुन के कहीं वो ये ना सोचने लगे यहां पर तुम अपनी अपना जाल फेंक सकते हैं, तुम्हारी मीठी आवाज सुनकर कहीं वो तुम पर डोरे न डालने लगे। ये बताया गया कि ये वजह है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बदतमीजी करें, किसी गैर मर्द की कॉल आए तो इतनी बुरी बुरी गाली दे दे कि वो बेचारा कहे कहां मैंने फोन मिला दिया है, या कोई आदमी दरवाजे पर मिलने आया है आपके भाई से, आपके बाप से, और आपका अंदाज इतना खतरनाक है कि वो सोच भाई कहां मैं आके फंस गया। ऐसा भी अंदाज नहीं होना चाहिए। वकुलना कौलम मारूफा, तुम जो भी बात करो दस्तूर के मुताबिक करो, सीधी साफ सुथरी बात करो, टू द पॉइंट बात करो। बाप का मोबाइल है, किसी का फोन है, हां किससे बात करनी है, टू द पॉइंट बात कीजिए। अबू से बात करनी है, अबू नहीं है, बस बात खत्म। भाई से बात करनी, भाई नहीं है। अच्छा आपका नाम क्या है, ये नाम बता रही है, एड्रेस बता रही है, किस कॉलेज में पढ़ती है, ये बात से बात निकलती है। कुरान करीम औरतों को बात करने का तरीका बता रहा है। अब उसके बाद कह रहा है वकरना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम अपने घरों के अंदर जमी रहना, तुम अपने घरों में इज्जत के साथ रहना, यानी तुम्हारे काम करने का दायरा अगर हकीकत में है तो तुम्हारा घर है, तुम अपने घर को लाजिम पकड़ लेना, तुम अपना ज्यादातर टाइम अपने घर में स्पेंड करना, तुम घर के बाहर ज्यादा निकलने की कोशिश न करना। कुछ औरतें होती हैं उनको घर काटता है, चलो जी शॉपिंग करने, चलो जी आउटिंग करने, चलो जी घूमने, उनको घर काटता है। कुरान करीम बता रहा है कि औरत का असल दायरेकार उसका घर है। आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ये सब तो मौलवियों के फतवे हैं कि औरतों को घर से जाने मत दो, ये मौलवियों के चौचले हैं। ये कुरान की आयत है, मौलवियों के चौचले नहीं है, ये कुरान की आयत है। वकरना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की औरतों तुम अपने घरों के अंदर जमी रहना। लेकिन ये मना नहीं किया, घर के अंदर रहने का हुक्म दिया, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ जाए, अगर कभी कोई काम आ जाए, डॉक्टर के यहां जाना है, कोई चीज खरीदने के लिए जाना है, ससुराल से मायके जाना है, या अगर घर के हालात ऐसे के पर्दे में रह के नौकरी करने के लिए जाना है हलाल तरीके से, और पर्दे और इज्जत के साथ उसको नौकरी करने के लिए, पढ़ाने के लिए, टीचिंग करने के लिए जाना है, या मस्जिद में तरावी की नमाज हो रही है उसके लिए जाना है, या दर्स हो रहा है उसके लिए जाना है, अल्लाह ने मना नहीं किया। तुम्हें घर से अगर निकलने की जरूरत पड़ जाए तो तुम निकलो, लेकिन निकलने का तरीका भी बता दिया। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियत लूला, ऐ नबी के घर की औरतों तुम जमाने जाहिलियत की तरह बन सवर के, बन ठन के, मेकअप की दुकान बन के न निकला करो। तबर्रुज का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यहां पे, अरबी जुबान में बुर्ज बोलते हैं किला को। आपके यहां भी तो एक बुर्ज है ना, है ना? तो बुर्ज का मतलब होता है किला। अब किला जो होता है वो इतनी ऊंचाई पे बनाया जाता है कि दूर से ही नजर आता है। कुरान हकीम ने तबर्रुज का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी ऐसी तरीके से मत निकलो कि दूर से ही समझ में आ जाए कि हां कोई मोहतरमा गुजर रही है। तुम्हारे निकलने का अंदाज ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को नुमाया करके, अपने आप को एट्रेक्टिव बना के, अपने आप को आकर्षक बना के निकल रही हो। अब कुरान हकीम ने लिपस्टिक का नाम नहीं लिया, कुरान हकीम ने नेल पॉलिश का नाम नहीं लिया, कुरान हकीम ने फेस वॉश का नाम नहीं लिया, कुरान हकीम ने फेस क्रीम का नाम नहीं लिया, कुरान हकीम ने मस्कारे का नाम। अब मैं शादीशुदा हूं तो मुझे सब चीजों का नाम मालूम है। इन तमाम चीजों का नाम कुरान ने नहीं लिया। ये तमाम चीजें आ गई। आप मेकअप करें, आप लिपस्टिक भी लगा सकती हैं, आप नेल पॉलिश भी लगा सकती हैं, मगर पर्दे में रह के अपने घर के अंदर अपने शौहर के लिए
शादीशुदा है तो जरूर करे मेकअप, शौहर औरत के मेकअप का सबसे बड़ा हकदार है। ये कौन सी बात हुई कि कहीं जाना है तो दुनिया भर का मेकअप हो रहा है और शौहर बेचारा घर में आ रहा है तो कोई मेकअप नहीं, वही बदबूदार कपड़ा, वही तेल की बदबू, वही किचन पसीने की महक। तुम्हारे असल जो तुम्हारी जेबो जीनत का हकदार है, जो बेचारा लाखों पैसा खर्च करके तुमको लाया है और जिंदगी भर के लिए तुमको भुगत रहा है, उसके लिए तुम मेकअप करो ना। तो कुरान ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, वला तबर्रजना, तबर्रुज मत करो, अपने आप को बुर्ज मत बनाओ, अपने आप को किला मत बनाओ, अपने आप को नुमाया मत करो, ऐसी बनके न निकलो कि दुनिया तुमको देखे। और एक अजीब बात देखिए, तबर्रुज के साथ जाहिलियत का लफ्ज लगाया कि जमाने जाहिलियत की तरह बनाओ, सिंगार मत करो। इसमें नुक्ता यह है कि तुम ये मेकअप और ये आजादी तुम जमाने में जितने भी तरक्की कर लो, जब भी तुम ये बेहयाई का काम करोगे अल्लाह की नजर में ये जाहिलियत ही माना जाएगा, चाहे तुम कितने ही पढ़े लिखे हो जाओ और कितने ही मॉडर्न हो जाओ और कितने ही एडवांस हो जाओ, अल्लाह की नजर में ये तबर्रुज, ये बेहयाई, ये औरत का इस तरीके से निकलना, ये जमाने जाहिलियत ही की यादगार रहेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय्युमा इमरातिन इस्तातरत फमर्रत बिल मजलिस, जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्दों की के पास से, उनकी मजलिस के पास से गुजरती है, फहिया कजा व कजा, वो औरत ऐसी है ऐसी, अल्लाह के नबी ने नाम भी नहीं लिया। रावी कहता है कि अल्लाह के नबी के कहने का मतलब यह था कि वो औरत बदचलन है, फाहिशा है, जो खुशबू लगा के निकलती है कि देखो मैं गुजर रही हूं। आजकल तो माशाअल्लाह परफ्यूम्स भी अलग अलग आ रहे हैं, लेडीज के अलग आ रहे हैं, जेंट्स के अलग आ रहे हैं, परफ्यूम से ही पकड़ में आ जाता है कि ये लेडीज परफ्यूम है। आप देख लीजिए, तो खुशबू लगाकर भी निकलने को अल्लाह के नबी ने जानिया औरत की अलामत करार दिया है। आजकल जो ये कपड़े चल रहे हैं, एक तो घर के बाहर की बेपर्दगी, एक घर के अंदर की घरेलू बेपर्दगी, उस पर कम ध्यान है लोगों का। घर के बाहर तो चलो बुरके में निकल रही, नकाब में निकल रही, और घर के अंदर देवर है, जेठ है, कजिन ब्रदर्स हैं, अब उनके सामने कैसे कपड़े पहने जा रहे हैं, मैं उन कपड़ों का नाम नहीं लूंगा, बस एक हदीस पढ़ देता हूं, कैसे कपड़े पहने जा रहे हैं आज घर के अंदर। और वो कपड़ा बाप ला के देता है, भाई ला के देता है, शौहर ला के देता है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा, दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे, लेकिन वो अभी दुनिया में नहीं आए हैं, बाद में आएंगे, कयामत के करीब आएंगे। कौन लोग होंगे? कौम उनमा हुम सियातुन काजना बिल बकर यज़रिबूना बिहन्नास, ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे जिनके हाथों में अल्लाह ताला ने गाय की दुम की तरह कोड़े दिए होंगे, वो उन कोड़ों से लोगों को मारेंगे। यानी अल्लाह के नबी कहना ये चाहते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके हाथ में अल्लाह ताला इक्तदार की चाबी दे देगा, कुर्सी दे देगा, हुकूमत दे देगा, वो अपनी हुकूमत को जुल्म करने का, ज्यादती करने का तरीका बना लेंगे, वो लोगों पर ज्यादतियां करेंगे, जुल्म करेंगे, ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे। और दूसरे कौन लोग होंगे? वह निशा उनका सिया तुन आरिया तुन मुमीला तुन माइला तुन, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसी औरतें भी जहन्नम में जाएंगी जो औरतें कपड़ा भी पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी, उनका कपड़ा पहनना और उनका नंगा होना दोनों बराबर होगा। यानी कपड़े का मकसद यह होता है कि वो औरत के बदन के ऊपर बदन को ढांप दे, कपड़े का मकसद ये होता है कि औरत के बदन को वो नुमाया न करे, लेकिन वो कपड़े ऐसे आ जाएंगे कि वो और ज्यादा बदन को खोल कर रख देंगे। कपड़ा पहने होंगी फिर भी नंगी होंगी। मैं समझता हूं कि इससे बेहतरीन अल्फाज में आज के जमाने का पूरा फैशन, इससे बेहतरीन अल्फाज में नहीं आ सकता, दो अल्फाज में पूरा फैशन आ गया। वनिसा उनका सियातुन आरियातुन, कपड़ा पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी, माइल मुमीलातिन, मुमीलातिन वो गैर मर्दों को
वो गैर लड़कों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली, अट्रैक्ट करने वाली, खींचने वाली, मायल करने वाली होंगी, यानी वो फ्लर्ट करने वाली होंगी। वो इस तरीके के कपड़े पहनकर अपनी तरफ लोगों की तवज्जो मायल करेंगी। वो जब चलेंगी तो लोगों की तवज्जो ऑटोमेटिक उनकी तरफ, लोगों की आंखें ऑटोमेटिक उनकी तरफ चली जाएंगी। वो इस तरीके से बनसंवर कर निकलेंगी मायलातिन, और उनकी चाल भी मायल होने वाली औरतों की तरह, यानी बेहया औरतों की तरह होगी। उनके चलने का अंदाज भी फाहिशा औरतों की तरह होगा, उनके चलने का अंदाज भी बेहया और जिनाकार औरतों की तरह होगा। अभी मैंने जब कुरान मजीद के 20वें पारे की तफसीर की थी, मैंने बताया था कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचते हैं तो मदियन के अंदर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दो बेटियां वहां पर उनको मिलती हैं, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन दोनों लड़कियों के बकरियों को पानी पिला देते हैं। जब वो दोनों लड़कियां अपने घर पहुंचती हैं और अपने बाप को बताती है कि अब्बा जान आज एक नौजवान आया था, उस नौजवान ने हम दोनों बहनों की मदद की है, तो उनका बाप कहता है कि जाओ उस नौजवान को बुला कर लाओ। कुरान ये कहता है कि जब वो लड़की चल कर आती है, फजाअत इहदाहुमा तमशी अलस्तेहियाइन, उनमें से एक औरत जब चलकर आती है तो उसके चलने का अंदाज भी शर्मीला था, उसकी चाल से भी शर्म हया झलक रही थी। पता ये चला कि चाल भी दो तरीके की होती है, चलने का अंदाज भी दो तरीके का होता है। एक चाल ही ऐसी होती है कि चलने का अंदाज ही बता देता है कि ये फाहिशा औरतों का अंदाज है, ये जिनाकार औरतों का अंदाज है, ये बदचलन औरतों का अंदाज है। नबी अकरम फरमा रहे कपड़ा पहने होंगी, नंगी होंगी, और गैर मर्दों को अपनी तरफ मायल करने वाली होंगी, और उनकी चाल भी फाहिश औरतों की तरह होगी। अच्छा, हेयर स्टाइल कैसा होगा? आजकल देखिए हेयर स्टाइल अच्छा खासा बाल रहता है, जाके ब्यूटी पार्लर में कटवा देती और समझती है कि हम बहुत अच्छी लग रहे हैं, बंदरिया लगती है, कितनी अच्छी लग रहे हैं। अच्छा खासा बाल अल्लाह ताला ने दिया है, उसको कटवा के पूरी खूबसूरती बर्बाद कर देती है, चेहरे को ब्लीच कराती है, क्या क्या कराती है, अल्लाह की पनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनके सरों के ऊपर जो बाल होंगे वो बाल वो ऐसे तरीके से अपने बालों को बांधेगी जैसे बुख्ती ऊंटों के कुहान होते, वो कुहान की तरह अपने बालों को बांधेगी। हालांकि उलमा ने इस हदीस का यह मतलब बताया है कि वो उन औरतों की एक पहचान होगी, इससे यह लाजिम नहीं आता कि औरत अपने बालों का जूड़ा इस तरीके से न बांधे, लेकिन अल्लाह के नबी बताना चाहते कि उस जमाने का एक फैशन होगा कि औरतें ऊंट के कुहान की तरह अपने बाल को ऊंचा कर लेंगी। ला यदखुलल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह के नबी फरमाते वला यजिदना रीहा, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगी, यानी अल्लाह ताला उनको जन्नत से इतना दूर रखेगा कि जन्नत की खुशबू भी उन तक नहीं पहुंचेगी। जबकि अल्लाह के नबी फरमाते वह इन्ना रीहा लयू जदो मिन मसीरति कजा व कजा, जन्नत की खुशबू भी कई किलोमीटर दूर तक आती है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसी बेहया औरतों को जन्नत से इतना दूर रखेगा कि जन्नत की खुशबू भी उनको नहीं मिलेगी। तो कहा कि निकलो मत, घर में रहो, और अगर घर से निकलना भी पड़ जाए तो वला तबर्रुज न तबर्रुज अल जाहिलियति लूला। इसीलिए आप देखिए मर्द के ऊपर जमात से नमाज पढ़ना फर्ज है, मर्द अगर बगैर मजबूरी के जमात से नमाज न पढ़े तो गुनहगार होगा, लेकिन औरत के बारे में यह कहा गया कि औरत को जमात से नमाज नहीं पढ़ना, उसके ऊपर जमात फर्ज नहीं है। बल्कि अल्लाह के नबी एक हदीस में फरमाते हैं कि औरतें अगर मस्जिद में जाने की इजाजत मांगे और मस्जिद में उनकी नमाज पढ़ने का अरेंजमेंट हो, इंतजाम हो, तो तुम उनको इजाजत दे दो, लेकिन यह भी सुन लो वह बुयूतुहुन्ना खैरुन लहुन्ना, औरतों का उनके घर में नमाज पढ़ना यह ज्यादा बेहतर है। और घर के अंदर भी अल्लाह के नबी फरमाते वह कारो बुयूत, घर के अंदर जो कमरा सबसे कोने में हो, जो जगह सबसे किनारे हो, जहां पर किसी का गुजर ना होता हो, औरत का उस जगह पे नमाज पढ़ना ये ज्यादा बेहतर है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि रमजान में हमारे यहां तरावी में आ रही औरतें तो ये भी मना है, ये खास मौका है
तरावी हो रही है, दर्स हो रहा है, जाहिर सी बात है कि घर पे वो तरावी नहीं पढ़ पाएंगी। अगर पढ़ेंगी भी, अगर इंडिविजुअल पढ़ेंगी, अकेली पढ़ेंगी, तो उतना कुरान याद नहीं है। तो ये एक मसलात और हिकमत है। लेकिन आम हालात में आप देखिए कि मर्द अगर जमात से नमाज ना पढ़े तो गुनहगार होगा, लेकिन औरत के ऊपर जमात फर्ज नहीं है। हां, ईद और बकरीद की नमाज में खास तौर से अल्लाह के नबी ने औरतों का नाम लेके कहा है कि उनको लेके आना है। यहां तक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो औरतें नापाकी के आलम में है वो भी ईदगाह के अंदर जाएं, नमाज नहीं पढ़ेंगी, किनारे बैठी रहेंगी, कम से कम इमाम की दुआ में तो शरीक रहेंगी। यहां तक कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत के पास अपना जिलबाब ना हो, अपनी चादर ना हो, वो अपनी पड़ोसन से, अपनी सहेली से चादर लेकर जाए, लेकिन जाए। अल्लाह के नबी ने वजूबी हुक्म दिया है, लिहाजा मर्दों के साथ साथ औरतों का ईदगाह जाना इंतहाई जरूरी है, उनका ईद की जमात में शरीक होना। तो घर से निकलो तो बेहयाई मत करो। उसके बाद फरमाया वा अकिम नस्सला, और ऐ औरतों तुमने ये समझ लिया है कि तुम्हारा काम सिर्फ खाना बनाना है, रोटी बनाना है, शौहर की खिदमत करना है, बच्चों की परवरिश करना है। नहीं नहीं, तुम भी अल्लाह की बंदी हो। मर्द के ऊपर जो शरीयत लागू होती है वो तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है। वह अकीमनस्सलाह, नमाज अगर मर्द के ऊपर फर्ज है तो तुम्हारे ऊपर भी फर्ज है। अय नबी की औरतों, तुम नमाज की पाबंदी करो। अरे मौली साहब, आप क्या जाने हम लोगों को कितना काम रहता है, बच्चों को भी देखना है, किचन भी संभालना है, और हजरत जी रात में आते तो उनके पैरों की मालिश भी करना है। हम लोगों को नमाज वमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है। मेरी प्यारी माओ बहनों, मैं मानता हूं कि आप मर्दों से ज्यादा मेहनत करती हैं, काम करती हैं, आपकी मसरूफियात का मैं इतराफ करता हूं, इकरार करता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि रमजान में ये मर्द हजरात तो सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए, ये तो खाते ही रहते हैं, इनको खाने के आइटम बनाकर देने वाली भी आप हैं। मैं आपकी मेहनतों की कदर करता हूं, मगर मैं आपसे एक सवाल करता हूं मेरी प्यारी माओ बहनों। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी तो एक औरत थी, हजरत फातिमा भी तो एक औरत थी, हजरत खदीजा भी तो एक औरत थी। क्या इन लोगों ने खाने नहीं बनाए? क्या इन लोगों ने किचन नहीं संभाला है? क्या इन लोगों ने अपने शोहरों की खिदमत नहीं की है? अरे इन औरतों ने तो जरूरत पड़ी है तो जंग के मैदान में सिपाहियों की मरहम पट्टी भी की है। इन औरतों ने जरूरत पड़ी है तो चक्की चला के हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला ने आटा भी पीस के अपने बच्चों को खिलाया है। मेरी प्यारी माओ बहनों, आज तो अल्लाह ताला ने बहुत सहूलत तो आपको दे दी है। चाय बनाना है, उस जमाने में कोई चीज खाना बनाना हो तो चलो पहले लकड़ी जलाओ, चूल्हा बनाओ, उसके बाद खाना बनता था। आज तो गैस का चूल्हा मौजूद है, आज इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा मौजूद है, 2 मिनट के अंदर चाय तैयार है। उस जमाने में कपड़े धोने पड़ते थे तो औरतों के हाथों में कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। आज तो अल्लाह ताला ने, अगर अल्लाह ताला ने नवाजा है तो आपके घरों में वॉशिंग मशीन भी मौजूद है। आज अल्लाह ताला ने दुनिया भर की सहूलतें आपको दी हैं, अगर इनके बाद भी आप नमाज की पाबंदी नहीं करती हैं तो मेरी प्यारी माओ बहनों, अल्लाह के यहां जवाब देने के लिए तैयार हो जाना। वह अकीमनस्सलाह, ऐ नबी की औरतों तुम नमाज की पाबंदी करो। वह आतीनज़्ज़का, और अपने माल की जकात भी निकालो। इससे एक नुकता यह मिला कि औरत भी माल कमा सकती है, औरत के पास भी इतना माल हो सकता है कि उस माल में जकात देनी पड़ जाए, औरत के पास इतना जेवर हो सकता है, इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा हो सकता है कि औरत को भी जकात देना पड़े। इसलिए कि अल्लाह ताला अलग से औरतों से कह रहा है, नबी की औरतों से, ऐ नबी की औरतों तुम जकात दिया करो। वह अतेन अल्लाह व रसूला, और ऐ नबी की औरतों तुम अल्लाह ताला की इताअत किया करो और उसके रसूल की इताअत किया करो। अल्लाह की इताअत किया करो, रसूल की इताअत किया करो। उसके बाद ये कहा कि ये तालीमात तुमको क्यों दी जा रही है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैति वयुतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी की घरवालियों, ऐ नबी के अहले बैत, अल्लाह ताला तुमसे गंदगी को साफ करना चाहता है, तुम्हें बिल्कुल साफ सुथरा, तुम्हें फिल्टर करना चाहता है, तुम्हें प्योरीफाई करना चाहता है, तुम्हें बिल्कुल क्लीन करना चाहता है। नबी के घर के अंदर इस तरीके की कोई बुराई ना पाई जाए, अल्लाह ताला चाहता है। इस आयत से पता चला
कि नबी के अहले बैत का जब वर्ड बोला जाए, जब वर्ड, जब ये लफ्ज बोला जाए अहले बैत, तो अहले बैत के अंदर सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की बीवियां आती हैं। बड़े अफसोस की और बड़ी अजीब बात है कि दुनिया में ऐसी कौम भी रहती है जो अहले बैत की मोहब्बत का ढिंडोरा पीटती है और अल्लाह के नबी की बीवियों को गाली भी देती है। वो अल्लाह के नबी की बीवियों को अहले बैत में से नहीं मानते, वो कहते नहीं वो लोग अहले बैत में नहीं। कुरान जिनको अहले बैत कह रहा है उनको हम अहले बैत ना माने तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा। उसके बाद फरमाया وَذُكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ, اے نبی کی عورتو تمہارے گھروں کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس قرآن کی تم تلاوت کیا کرو, اس قرآن کو تم یاد کیا کرو, وَالْحِكْمَةِ, اور اے نبی کے گھر کی عورتو تمہارے گھروں کے اندر جو حکمت پڑھی جاتی ہے, جو نبی اکرم کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں ان حدیثوں کو بھی تم یاد کیا کرو۔ نقطہ یہ ملا کہ عورتوں کو بھی قرآن یاد کرنا چاہیے, عورتوں کو بھی حدیث یاد کرنی چاہیے۔ سبق یہ ملا کہ عورتیں بھی قرآن کی حافظہ بن سکتی ہیں, عورتوں کو بھی قرآن کا حافظ بنایا جا سکتا ہے۔ اور ایک سبق یہ بھی ملا کہ مسلمان کے گھر میں قرآن و حدیث دونوں کی پڑھائی ہونی چاہیے, قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے اور حدیث بھی پڑھی جانی چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں, آج اگر جائزہ لیا جائے تو ہر آدمی کے گھر میں ٹیلی ویژن ضرور ہوگا, تقریباً ہر آدمی کے گھر میں ٹی وی موجود ہے اور ٹی وی کے اوپر ڈش بھی لگا ہوا ہے, عورتوں کے سیریل بھی دیکھے جا رہے ہیں, فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہیں اور ٹی وی کے اوپر جتنی تمام چیزیں آ رہی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں, اپنی فیملی کو بگاڑنے کے لیے, اپنی فیملی کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے, اپنے بچوں کو بگاڑنے کے لیے تو ہم 250-300-400 روپے مہینے دے کے ڈش ٹی وی کا ریچارج کرواتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو بگاڑنے کا انتظام تو پیسہ دے کے کر رہے ہیں, لیکن آج تک ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کو نہ تو قرآن کی کوئی تفسیر لا کر دی ہے, نہ اللہ کے نبی کی حدیث کی کوئی کتاب لا کر دی ہے, نہ ہم نے اپنی عورتوں کو, اپنے گھر کے بچوں کو, اپنے گھر کی بچیوں کو حضرت فاطمہ کی زندگی کبھی پڑھنے کو دی ہے, حضرت عائشہ کی زندگی کے بارے میں کبھی بتانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد ہم بولتے ہیں کہ گھر خراب ہو رہا ہے, فیملی خراب ہو رہی ہے, سماج خراب ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں خراب ہوگا؟ ہم نے اس گھر کو بنانے کا انتظام کب کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمان کے گھر میں یا تو قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے یا نبی اکرم کی حدیث پڑھی جانی چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں تیلگو کے اخبار آ رہے ہیں, اردو کے اخبار آ رہے ہیں, ہم خبریں تو پڑھ رہے ہیں, ہم سماچار تو پڑھ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہمارے گھروں میں بہت کم پڑھا جاتا ہے۔ ہاں, سال میں رمضان آ گیا تو چلو بڑا جذبہ پیدا ہو گیا تو رمضان میں ہم نے قرآن پڑھ لیا۔ عورتیں بڑے فخر سے کہتی ہیں ہم نے اس رمضان میں 3 قرآن ختم کیا, 4 قرآن ختم کیا, 5 قرآن ختم کیا, بس مہینے بھر میں جتنی نیکی کرنی تھی کر دی, رمضان ختم, قرآن ختم, ہم نے قرآن کو ریشم کے جزدان میں لپیٹ کے کنارے رکھ دیا۔ وَذُكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, اے نبی کی عورتوں تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو یاد کرو اور جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس کو یاد کرو۔ جاننا چاہتے ہیں نبی کے زمانے کی عورتیں کیسی ہوتی تھیں؟ چلیے ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, ایک مثال دے دیتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو, لعن اللہ الواشمات, اللہ کی لعنت ہو گدنا گدوانے والی عورت پہ, ٹیٹو بنوانے والی عورت پہ, والموتشمات, اور ٹیٹو بنوانے والی عورت پہ, بنانے والی پر بھی اللہ کی لعنت ہو, بنوانے والی پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ آج کل نوجوانوں میں بڑا کریز چلا ہے, کہیں کندھے پہ, اچھا پھر اگر آپ کا فیوریٹ کھلاڑی جو ہے کرکٹر, اگر اس نے ٹیٹو بنوایا ہے تو ارے بھائی ہم تو وراٹ کوہلی کے بہت بڑے فین ہیں, ہم کیوں نہیں بنوائیں گے؟ اب کوئی ہاتھ پہ, کوئی کندھے پہ, کوئی پیٹھ پہ, پتہ نہیں کہاں کا لوگ ٹیٹو بنوا رہے ہیں۔ حرام ہے یہ ٹیٹو بنوانا, اور عورت کے لیے تو بالکل حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ٹیٹو بنانے والی اور بنوانے والی پر, والمتنمسات, اور اپنے آئی برو کے بالوں, اپنے آئی برو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والی, اپنے آئی برو کو نچوانے والی, اپنے آئی برو کو سیٹ کروانے والی عورتوں پر,
وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं कि अपने दांतों के बीच में गैपिंग करवाने वाली औरतों के ऊपर जो दांतों के बीच में खूबसूरती के नाम पर फैशन के नाम पे गैपिंग करवाती हैं, अल-मुगैराती खल्कल्ला, ऐसी तमाम औरतें अल्लाह ताला की तखलीक को बदलने वाली हैं। ये अल्लाह ताला ने उनको जैसा पैदा किया है उनको पसंद नहीं है, वो अपने आप को चेंज करती हैं, बदल देती हैं। ऐसी औरतों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। ये कौन लानत भेज रहा है? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला। एक औरत को पता चला, कबीले बनू असद की एक औरत को पता चला कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसी ऐसी औरतों के ऊपर लानत कर रहे हैं। बुखारी की रिवायत है, वो चलकर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के घर आती है पर्दे में, कहती है अब्दुल्ला बिन मसूद मुझे पता चला है कि आपने ऐसी ऐसी औरतों का नाम लेकर उनके ऊपर लानत भेजी है। आपने कहा है कि गुदना गुदवाने वाली, गुदना गोदने वाली और अपने आईब्रो को सेट करने वाली, अपने दांतों के बीच में गैपिंग करवाने वाली औरतों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। अरे अब्दुल्ला बिन मसूद, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि आपने जो ये लानत भेजी है आपकी दलील क्या है? ओ लोगो खुश हो जाओ, 1400 साल पहले भी दलील मांगने वाले लोग मौजूद थे, दलील मांगने वाली औरतें मौजूद थी, और आज जो दलील मांगे उसको वहाबी कहा जाता है, उसको गैर मुकल्लिद कहा जाता है। आज जो दलील का मुतालबा कर दे उसको मारने के लिए लोग दौड़ने लगते हैं। ओ लोगों, ये मिजाज तो हमें हमारे नबी ने दिया है, ये मिजाज तो हमारे नबी के सहाबा ने दिया है। यहां एक औरत अल्लाह के नबी के बहुत बड़े सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से दलील मांग रही है कि आपने ये लानत क्यों भेजी है। अब दलील सुनिए, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैंने अगर लानत भेजी है तो कोई गलत काम नहीं किया है। अला अलानु मन लानहु रसूलुल्लाह, मैं उन औरतों के ऊपर लानत क्यों ना भेजूं जिनके ऊपर अल्लाह के नबी ने लानत भेजी है और जिन औरतों के ऊपर कुरान के अंदर भी लानत की गई है। बड़े गौर से सुनिएगा मेरी प्यारी माओ बहनों, आज की तकरीर ज्यादातर आपके लिए मैं कुर्बान कर रहा हूं। ऐ अब्दुल्ला बिन मसूद, आपने लानत भेजी, दलील क्या है? दलील दे रहे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कि मैं ऐसी औरतों के ऊपर लानत क्यों ना भेजूं जिन औरतों के ऊपर कुरान के अंदर भी लानत भेजी गई है। अब उस औरत का जुमला सुनिए, वो औरत कहती है अब्दुल्ला बिन मसूद करातो मा बैनत दफ्तैन, मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर मिनल जिन्नति वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ा है। आए अब्दुल्ला बिन मसूद, मुझे कुरान के अंदर तो कोई आयत ऐसी नहीं मिली है, पूरे कुरान के अंदर तो अल्लाह ताला ने कहीं पर भी ऐसी बात नहीं कही है कि ऐसी औरतों पर लानत हो। इससे यह पता चला कि उस औरत की कुरान पर कितनी गहरी नजर थी, पूरा कुरान उसने पढ़ा हुआ था, और कितने दावे और चैलेंज के साथ एक सहाबी से कह रही है कि मैंने पूरा कुरान पढ़ा है लेकिन जो बात आप बोल रहे हैं वो इस कुरान के अंदर तो मुझे नहीं मिली। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मोहतरमा आपने कुरान ढंग से नहीं पढ़ा है, माफ कीजिएगा, अगर आपने कुरान पढ़ा होता तो कुरान के अंदर ये आयत आपको जरूर मिली होती, वमा आताकुम रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, मेरा रसूल तुम्हें जो दे दे ले लो और मेरा रसूल तुम्हें जिससे मना कर दे रुक जाओ। अल्लाह के नबी ने ऐसी औरतों का नाम लेकर लानत की है तो मैं ये कह सकता हूं कि कुरान ने भी लानत की है, इसलिए कि कुरान कह चुका है जो रसूल दे दे उसको ले लो, और जब रसूल ने लानत कर दी है तो इसका मतलब कुरान ने भी लानत कर दी है। ये औरतें थी नबी के जमाने में, कुरान की जानकार, हदीस की जानकार, और आजकल की औरतें मेकअप की जानकार, पकवान की जानकार, उनको मालूम है उनकी जो फेवरेट क्रीम है वो कौन सी दुकान पे मिलेगी, उनको मालूम है कि उनके कलर से मैचिंग करने वाली ईयर रिंग मार्केट में कौन सी, उनकी सारी तवज्जो, सारी नॉलेज उनके
खान पान और पकवान के मुतालिक है मेरी प्यारी माओ बहनों। कुरान हकीम आपको एक अलग नॉलेज भी हासिल करने की तालीम दे रहा है कि तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है और जो हदीस पढ़ी जाती है उसको याद करो। उसके बाद 10 चीजें बताई गई और एक अजीब बात है कि जो ये 10 चीजें बताई गई हैं तो मर्दों का नाम भी लिया गया और उनके पैरेलल औरतों का भी नाम लिया गया। एक मसला मैं बता देता हूं आपको, कुरान में जब भी कोई बात कही जाए तो उसमें औरतों का नाम लिया जाए या ना लिया जाए, कुरान और हदीस में जब भी कोई बात बोली जाए तो औरतें ऑटोमेटिक उसके अंदर शामिल होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान में कहा गया नमाज पढ़ो, तो इसका यह मतलब नहीं कि मर्दों को नमाज पढ़ना है औरतों के लिए माफ है। कुरान में जितना हुक्म दिया गया है वो तमाम औरतों के लिए भी है। हां, जहां एक्सेप्शन है, जहां बता दिया गया है कि ये हुक्म औरतों के लिए नहीं है, जिहाद करना औरतों का काम नहीं है, जहां बता दिया गया कि ये हुक्म औरतों के लिए नहीं, उसकी बात अलग है। वरना शरीयत में जितनी भी चीजें बताई गई सब मर्दों के लिए भी है, औरतों दोनों के लिए कॉमन है। लेकिन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला ना एक मर्तबा अल्लाह के नबी से कहने लगी है, अल्लाह के नबी कुरान में अल्लाह ताला जब भी आयत नाजिल करता है तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अल्लाह ताला हर जगह मर्दों का नाम लेता है, औरतों का कहीं नाम नहीं लेता है। कुरान की कोई भी आयत नाजिल होती है तो अल्लाह ताला ये नहीं कहता है कि ऐ ईमान वाली औरतों, अल्लाह ताला औरतों के लिए कोई हुक्म क्यों नहीं नाजिल करता है, उनके नाम से कोई आयत क्यों नाजिल नहीं करता है। उस मौके पर अल्लाह ताला ने 22वें पारे की यह आयत नाजिल की जिसमें अल्लाह ताला ने 10 चीजों का जिक्र किया। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما। अल्लाह ताला हजरत उम्मे सलमा के इस सवाल के ऊपर ये आयत नाजिल कर देता है कि ऐ मेरे नबी की बीवियों, तुम्हें अगर ऐसा फील होता है, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि कुरान सिर्फ मर्दों के लिए आया है औरतों के लिए नहीं आया है, तो चलो आज तुम्हारा ये मिसकंसेप्शन दूर कर देते हैं, तुम्हारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दी जाती है, तुम्हारी ये गलतफहमी दूर कर दी जाती है। कुरान की ये आयत नाजिल हो रही है, ऐ नबी की औरतों ये 10 चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, तुम जन्नत में चली जाओगी। कौन सी 10 चीजें? इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें। वल मोमिनीन वल मोमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें। अच्छा, मुसलमान में और मोमिन में क्या फर्क है, कोई बता सकता है मुसलमान और मोमिन में क्या फर्क है? क्या आप लोग तकरीर सुनते हैं भाई, हर साल आप लोग सुनते हैं, इतना भी नहीं मालूम? मुसलमान उसको बोलते हैं जो जाहिरी तौर पर मुसलमान हो, और मोमिन उसको बोलते हैं जिसके दिल में ईमान हो। यानी आप यह कह सकते हैं कि मुसलमान से आगे की एक चीज है, मुसलमान पहला स्टेप है, कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गए, अब ईमान दिल में जब आएगा तब आप मोमिन बनेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहा है ऐ मुसलमान औरतों तुम भी मोमिन बन जाओ, ऐ मुसलमान मर्दों तुम भी मोमिन बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, मोमिन बन जाओ। वल्कानितीन वल्कानितात, और अल्लाह ताला के फरमा बरदार बन जाओ। कानतीन का मतलब समझते हैं, इसी से दुआए कुनूत बनी है। दुआए कुनूत का क्या मतलब होता है? उसी कुनूत से कानतीन बनाए। कुनूत का मतलब समझ लो, कुनूत किसको बोलते हैं? आप लोग दुआए कुनूत पढ़ते हैं ना, कुनूत किसको कहते हैं? कुनूत का मतलब होता है किसी की फरमा बरदारी करना इस तरीके से कि उसमें मोहब्बत भी पाई जाती हो और डर भी पाया जाता। एक होता है कि मजबूरी में किसी की बात मान रहे हैं, अब हम किसी के गुलाम हैं या किसी के नौकर हैं, उसने कहा कि जब चाय लाओ, चाय ला के दे देते, लेकिन दिल में हम पसंद नहीं कर रहे हैं, यह कुनूत नहीं है। कुनूत किसको बोलते हैं? कि हम किसी की फरमा बरदारी करें और दिल में उसके लिए मोहब्बत हो या उसका डर हो, तो इसको बोलते हैं कुनूत। अल्लाह ताला फरमा रहा है
اے مسلمان مردو تم بھی قانتین بن جاؤ, تم اللہ کے سچے پکے فرما بردار بن جاؤ. والقانتات, اور اے مسلمان تم بھی اللہ تعالیٰ کی سچی پکی فرما بردار بن جاؤ. والصادقین, اور اے مردو تم سچ بولنے والے بن جاؤ. والصادقات, اور اے عورتو تم سچ بولنے والی بن جاؤ. سچ کو اپنی زندگی میں لے آؤ. جب سے یہ موبائل آیا ہے تو اچھے اچھے لوگوں نے بھی سچ بولنا چھوڑ دیا ہے. کہاں پہنچے, بس ابھی دروازے پر پہنچ گیا ہوں, ہے ابھی 2 کلومیٹر پیچھے. موبائل نے آ کے جھوٹ کو آسان کر دیا ہے. پہلے تو آدمی تھوڑا بہت سچ بولتا بھی تھا, اب تو سمجھ میں آتا ہے کہ 20% سچ بولتا ہے, 80% جھوٹ بولتا ہے. وہ صادقین و صادقات, اپنی زندگی میں سچ پیدا کرو, سچ بولنے والے بن جاؤ. والصابرین والصابرات, اور اے مردوں اپنے آپ کو صبر کرنے والا بنا لو, اور اے عورتوں تم بھی صبر کرنے والی بن جاؤ. صبر کس کو بولتے ہیں؟ صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب یہی نہیں ہوتا ہے کہ مصیبت آ جائے, بیماری آ جائے, تکلیف آ جائے تو صبر کیا جائے. صبر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہ دین کے اوپر جمے رہا جائے. سردی کا موسم آ جائے تب بھی جماعت سے فجر کی نماز پڑھی جائے, اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے. مئی اور جون کی گرمی آ جائے تب بھی زہر کی نماز پڑھا جائے, اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے. جب سارے زمانے میں حیدرآباد کے جیسے شہر میں جہاں بے حیا لڑکیاں گھوم رہی ہو, ایسے ماحول میں بھی پردہ کر کے چلا جائے, اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے. جب دین کے کاموں پہ جمے رہا جائے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچا جائے تو اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے اے میرے مومن بندو تم صبر کرنے والے بن جاؤ, اور اے میری بندیوں تم صبر کرنے والی بن جاؤ. والخاشعین والخاشعات, اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ, اپنے دل کے اندر اللہ کا تم ڈر پیدا کر لو. والمتصدقین والمتصدقات, اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے, خیرات کرنے والے, اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے والے بن جاؤ اور والیاں بن جاؤ. والصائمین والصائمات, روزہ رکھنے والے بن جاؤ, روزہ رکھنے والیاں بن جاؤ. والحافظین فروجہم والحافظات, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ, اور تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والیاں بن جاؤ. والذاکرین اللہ کثیرا, اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے بن جاؤ, اور تم یاد کرنے والیاں بن جاؤ. یہ 10 کام اپنے اندر پیدا کر لو تو اللہ وعدہ کر رہا ہے اعد اللہ لہم مغفرتن, ہم تمہیں معاف کر دیں گے, تمہارے گناہوں کو درگزر کر دیں گے, ہم نے تمہارے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے. وہ اجرن عظیما, اور جنت بھی تیار کر کے رکھی ہے. اس کے بعد حضرت زینب کے نکاح کا واقعہ بیان کیا گیا. اللہ کے نبی کی ایک پھوپھی تھی, ان کا نام تھا امیمہ, بہت اچھا نام ہے, لڑکی پیدا ہو تو یہ نام رکھو امیمہ. امیمہ بنت عبد المطلب, یہ اللہ کے نبی کی پھوپھی تھی. پھوپھی سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, پھوپھی کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ پھوپھی بولتے نا. تو اللہ کے رسول کی پھوپھی کی بیٹی تھی, ان کا نام تھا زینب بنت جہش. اللہ کے رسول کے پاس حضرت زید بن حارثہ نام کے ایک صحابی رہتے تھے جو غلام تھے. یہ حقیقت میں غلام تھے نہیں, آزاد تھے. بچپن میں ان کو ڈاکوؤں نے چرا لیا تھا اور مارکیٹ میں لے جا کے غلام کے طور پر بیچ دیا تھا. تو حضرت خدیجہ نے ان کو خریدا تھا, اور جب حضرت خدیجہ کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو بطور گفٹ اللہ کے نبی کو دے دیا تھا. اللہ کے نبی نے حضرت زید کو آزاد کر دیا, اور اللہ کے نبی اپنی اولاد کی طرح حضرت زید کی پرورش کرنے لگے. اتنی زیادہ محبت اللہ کے نبی حضرت زید سے کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت زید کے جو اصل ماں باپ تھے ان کو پتا چلا کہ ہمارا بچہ مکہ میں رہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو وہ لوگ آئے لینے کے لیے. تو اللہ کے نبی کے پاس وہ لوگ آئے اور بولے کہ اللہ کے نبی زید ہمارا بچہ ہے, ہم لوگ لینے آئے. اللہ کے نبی نے کہا بالکل لے جا سکتے ہو, پوچھ لو ان سے, جائے تو لے کے چلے جاؤ. حضرت زید سے پوچھا ان کے ماں باپ نے کہ چلو ہمارے ساتھ چلو, کتنے برسوں کے بعد ملے ہو. کہا کہ میں اپنے نبی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. کہا کہ آپ لوگوں نے صرف ہمیں, آپ دونوں نے صرف ہمیں, اگر میں آپ کے پاس رہتا تو آپ نے ماں باپ کا پیار دیا ہوتا, انہوں نے مجھ کو ایمان کی دولت دی ہے, میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. باپ سے بڑھ کے انہوں نے چاہا ہے,
मैं अपने नबी को छोड़ के नहीं जा सकता। तो अल्लाह के नबी औलाद की तरह मानते थे हजरत जैद को। हजरत जैद गुलाम थे, जैसा कि मैंने बताया गुलाम थे नहीं लेकिन समाज की नजर में गुलाम थे। अल्लाह के नबी ने इनकी शादी का रिश्ता अपनी फूफी की लड़की हजरत जैनब को भेजा, तो हजरत जैनब को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। समाज में होता है ना, आज भी हमारे यहां बिरादरी चलती है, हम सैयद लोग हैं, हम दूसरे कास्ट में शादी नहीं करेंगे, हम खान हैं, हम पठान हैं, हम अंसारी हैं, हम फला में शादी, ये सब चलता है। तो उस जमाने में भी कबीलों में चलता था। तो हजरत जैनब और उनके भाई को एतराज हुआ कि नहीं, हम ये शादी नहीं करेंगे, हम लोग आजाद हैं, ये गुलाम है, आजाद की शादी गुलाम के साथ कैसे होगी। तो कुरान की आयत नाज़िल हुई, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इजा कज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रा, जब अल्लाह ताला का कोई फैसला आ जाए या उसके रसूल का कोई फैसला आ जाए तो उसके बाद किसी मोमिन मर्द के पास और किसी मोमिन औरत के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई चॉइस नहीं होती है। अल्लाह का फैसला आ चुका है, रसूल का फैसला आ चुका है, तो अब उस फैसले को मानना ही मानना है, उसको तुम्हें तुम्हारे पास कोई सेकंड चॉइस नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब नबी का फैसला आ गया तो तुम्हें तस्लीम ही करना है, मानना ही है। जब कुरान की आयत नाजिल हुई तो हजरत जैनब तैयार हो गई और शादी हो गई। लेकिन जब औरत के अंदर यह एहसास पहले से हो कि मैं ऊंची बिरादरी की हूं तो शादीशुदा जिंदगी चल पाएगी, नहीं चल पाई। दोनों मियां बीवी में तुतू मैं अनबन खटपट शुरू हो गई। अल्लाह के रसूल के पास हजरत जैद आके कहते थे, अल्लाह के नबी मैं शादी करके फंस गया हूं, मैं तलाक देना चाहता हूं। अल्लाह के नबी समझाते थे कि नहीं नहीं तलाक मत दो, गुजारो, गुजारा करो, थोड़ा बहुत अंगेज करो, बर्दाश्त करो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इससे एक सबक मिला कि इस्लाम की नजर में बिरादरी नाम की कोई चीज तो नहीं है, लेकिन अगर यह डर हो कि बिरादरी के एहसास की वजह से मियां बीवी के बीच में जिंदगी जम नहीं पाएगी तो अपने ही लोगों में शादी की जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए नहीं कि हम उनको हकीर समझते हैं, इसलिए कि पूरी जिंदगी का मामला है। कहीं ऐसा ना हो कि लड़की के अंदर या लड़के के अंदर यह एहसास हो कि हम ऊंची बिरादरी के थे और हम नीची बिरादरी की लड़की को अपने घर में ले, अगर ये सोच है लड़के की तो ऐसी शादी नहीं करनी चाहिए। इस्लाम की नजर में बिरादरी की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अगर कहीं ऐसा डर हो तो बचना चाहिए। शादी कामयाब नहीं हुई, सक्सेस नहीं हुई और हजरत जैद और हजरत जैनब में झगड़ा होने लगा। अब अल्लाह ताला की तरफ से एक नया इम्तिहान शुरू हो गया। अल्लाह ने अपने नबी को बताया कि हजरत जैनब बहुत जल्द उनके शौहर उनको तलाक दे देंगे और उनकी शादी हम आपके साथ कराएंगे। अल्लाह ताला एक रस्म को तोड़ना चाहता था। रस्म क्या थी कि अगर कोई किसी लड़के को पाल लेता था तो वो उसका सगा बेटा माना जाने लगता था। अगर किसी ने किसी लड़के को पाल लिया तो लोग उसको उसके बाप के बजाय जो पाल लेता था उसके उसका बेटा कहते थे, और अगर वो लड़का किसी और लड़की से शादी कर ले और फिर तलाक दे दे तो फिर उससे उस आदमी की शादी लोग नहीं करते थे। लोग कहते थे कि ससुर अपनी बहू से शादी कैसे कर सकता है, हालांकि वो ससुर तो नहीं है। किसी ने किसी को पाल लिया तो बाप थोड़ी हो गया। तो अल्लाह ताला ने ये रस्म तोड़ने के लिए अपने नबी को हुक्म दिया कि तुम अब जो है जैनब से तुम्हारी शादी होगी और हजरत जैद रजी अल्लाह ताला ने बहुत जल्दी तलाक दे देंगे। अब कुरान की आयत सुनिए, वइज तकूलु लिल्लज़ी अनअमता अलैहि वइज तकूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु व अनअमता अलैहि, ऐ मेरे नबी आप याद कीजिए जब आप उनसे कह रहे थे जिनके ऊपर अल्लाह ने एहसान किया था और आपने भी एहसान किया था, यानी हजरत जैद की बात हो रही है, यानी ऐ नबी जब आप हजरत जैद से कह रहे थे, क्या कह रहे थे, अमसिक अलैका ज़ौजक, ऐ जैद तुम अपनी बीवी को तलाक मत दो। आप हजरत जैद से यह कह रहे थे कि ऐ जैद तुम अपनी बीवी को तलाक मत दो, तुख्फी फी नफ्सी का मल्ला हो मुबदी है, और आपके दिल के अंदर यह था कि तुम तो जल्दी ही तलाक दे दोगे, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से बता दिया गया था कि तलाक हो जाएगी। लेकिन अल्लाह के नबी शो नहीं करना चाहते थे, अल्लाह के रसूल को अच्छा नहीं लग रहा था कि लोग क्या सोचेंगे कि एक अपने अपने लयपालक की जिसको पाला था उसकी बीवी से शादी करने जा रहा हूं मैं, अल्लाह के रसूल को अच्छा नहीं लग रहा था।
तो अल्लाह के नबी को डर था कि लोग क्या कहेंगे। अल्लाह ने अपने नबी से कहा, वह तक्षन्नास, तुम लोगों से डर रहे थे, लोग क्या कहेंगे तुम सोच रहे थे। तो मेरे रसूल होके, मेरे नबी होके तुम्हारे दिल में यह ख्याल पैदा हो गया कि लोग क्या कहेंगे। वल्लाहु अहक वन तक्षा, डर तो यह होना चाहिए कि अल्लाह को क्या जवाब देंगे। बहुत बड़ा सबक मिला कि एक मुसलमान जो सही काम हो वो करे, ये ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे, वो अल्लाह से डरे। अल्लाह अपने नबी को तालीम दे रहा है कि ऐ मेरे नबी, जब हमने आपको हुक्म दे दिया कि आप हजरत जैनब से निकाह करेंगे तो बस करेंगे, ये हमारा हुक्म है, हम इस रस्म को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको लोगों से नहीं डरना चाहिए। फलम्मा कजा ज़ैदुम मिन्हा वतरा, जब हजरत जैद ने हजरत जैनब को तलाक दे दी, पूरे कुरान में सिर्फ एक सहाबी का नाम आया, हजरत जैद का नाम आया। फलम्मा कजा ज़ैदुन, जब हजरत जैद ने तलाक दे दी, किसको? हजरत जैनब को। ज़ौज ना कहा, तो हमने जैनब की शादी आपके साथ करा दी। हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला ने कहा करती थी दूसरी अपनी सौतनों से कि तुम लोगों की शादी तो तुम्हारे मां बाप ने कराई है, मेरी शादी तो अल्लाह ताला ने कराई है सातों आसमान के ऊपर। ज़ौज ना कहा, जब जैद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो हमने उसकी शादी, जैनब की शादी तुम्हारे साथ करा दी। इसी टुकड़े की वजह से हजरत जैनब कहा करती थी हजरत आयशा वगैरह से कि तुम लोगों की शादी तो तुम्हारे अब्बा जान ने और तुम्हारी फैमिली ने कराई है, मेरी शादी तो सातों आसमान के ऊपर अल्लाह ताला ने कराई है। तो यह शादी हो जाती है, अल्लाह ताला यह शादी इसलिए करवाता है अपने नबी की हजरत जैनब से कि यह रस्म टूट जाए। अब उसके बाद लोगों में शोर हुआ, कह रहे अल्लाह के रसूल ने अपनी बहू से शादी कर ली, अल्लाह के रसूल ने अपनी बहू से शादी कर ली। तब कुरान ने उसका जवाब दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मेरा नबी किसी मर्द का बाप है ही नहीं, मेरे नबी की औलाद में कोई मर्द नहीं है। मेरे नबी को अल्लाह ताला कह रहा है, हमने अपने नबी को जितने भी औलाद दिए सब लड़कियां दी हैं, सब बेटियां दी हैं, और जो हमने लड़के दिए सब बचपन में गुजर गए, हमारे नबी की औलाद में कोई मर्द नहीं है। जब कोई मर्द मेरे नबी की औलाद में है ही नहीं तो मेरे नबी अपनी बहू से शादी कैसे कर सकते हैं। अल्लाह ताला जवाब दे रहा है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मुहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, वलाकिर रसूल अल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबियीन, और वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आखिरी नबी हैं, मेरे नबी के बाद दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं। अल्लाह के नबी एक हदीस में कहते हैं बुखारी की कि मेरी मिसाल और दूसरे नबियों की मिसाल एक बिल्डिंग की तरह, एक मकान की तरह है। एक आदमी ने बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनवाई, बहुत खूबसूरत मकान बनवाया, लेकिन उस मकान के अंदर एक ईंट की जगह छोड़ दी। अब लोग आते हैं, उस मकान का चक्कर लगाते हैं, मकान की तारीफ करते हैं, और आखिर में कहते, मकान तो बहुत अच्छा है लेकिन एक ईंट की जगह इसके अंदर एक ईंट कम है। अल्लाह के नबी कहते हैं, अनल लबेन, तो वो ईंट मैं हूं, वाना खातमुन नबीयीन, नबुवत की बिल्डिंग की आखिरी ईंट अगर कोई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपके इस ओहदे ने और इस मकाम ने ये बता दिया कि अब आपके बाद दुनिया में जो भी पैदा हो कि ये कहेगा कि मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, वो झूठा है। जैसे आपके हिंदुस्तान में भी आधा दर्जन नबी लोग मौजूद हैं, आधा दर्जन नबी मौजूद है इंडिया के अंदर, और एक शकील बिन हनीफ नाम का एक आदमी गालिबन हैदराबाद के अंदर है, और इसी तरीके से अपने आप को मेहदी कहने वाले बहुत सारे पैदा हो जाते हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, ये सारे के सारे लोग झूठे हैं, कज्जाब हैं, अल्लाह के नबी के बाद दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं है। अच्छा, हजरत जैनब से जब अल्लाह के नबी की शादी हुई तो वलीमा हुआ। अब वलीमा की दावत दी अल्लाह के नबी ने सहाबा को, अभी खाना रेडी नहीं है, साहबे किराम आ गए पहले से ही विराजमान हो गए। अब खाना आया, खाना खा लिए, अब उसके बाद बैठ के बातें कर रहे हैं, और अल्लाह के नबी को भारी गुजर रहा है कि भाई खाना खा लिए अब निकलो, शादी हुई है, बीवी और शौहर को तन्हाई दो, छोटा सा मकान है, छोटा सा घर है, साहबे किराम खाना वगैरह खा के वहीं बैठे हुए हैं, और अल्लाह के रसूल अपने सहाबा का इतना ख्याल रखते थे कि खुल के कह भी नहीं पा रहे हैं कि
कि बुरा ना लग जाए। बार बार आ रहे जा रहे, इशारा दे कि भाई अल्लाह के बंदो अब जाओ यहां से, और सहाबे किराम जमे हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तदखुलू बुयूतन नबी, ऐ ईमान वालों तुम नबी के घर में जब तुमको दावत दी जाए तो इस तरीके से न चले जाओ कि खाना पकने का इंतजार वहां बैठ के करो। वलाकिन इजा दोई तुम, जब खाना रेडी हो जाए और तुमको बुलाया जाए तब अंदर जाओ। फैजा तइम तुम फंतशरु, और जब खाना खा लो तो अपने अपने घर का रास्ता ले लो, फंतशरु फैल जाओ। वला मुस्तानसीन ले हदीसिन, वहां बैठकर गपशप न करो, वहां बैठकर बातें न करो। इन ज़ालिकुम काना यूज़िन नबी, तुम्हारी ये हरकत मेरे नबी को तकलीफ पहुंचा रही थी। फयस्तहयी मिनकुम, मेरा नबी लिहाज कर रहा था तुम्हारा, मेरा नबी शर्मा रहा था। वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक, लेकिन अल्लाह ताला हक बात कहने में नहीं शर्माता है। उसके बाद वईजा साल तुम हुन्ना, और आज से एक नया कानून भी सुन लो, वईजा साल तुम हुन्ना, जब आज के बाद नबी की औरतों से तुम्हें कोई सामान लेने जाना पड़े, नबी की औरतों से कोई काम पड़ जाए, फसअलू हुन्ना मिन वराई हिजाब, तो उनसे पर्दे की आड़ से मांगा करो। पर्दा, अब आज से पर्दे का कानून लागू किया जाता है, अब नबी की औरतों को भी तुम पर्दे की आड़ से लेन देन करोगे, उनके सामने तुम नहीं आ सकते। और अगले टुकड़े पर तो हर आदमी को ध्यान देने की जरूरत है। ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्न, ऐ मेरे नबी के सहाबा, तुम नबी की औरतों से पर्दा किया करो, इसी में तुम्हारी भी भलाई है, इसी में उनकी भी भलाई है, इसमें तुम्हारे दिल की भी सफाई है, इसमें उनके दिल की भी सफाई है। आज हमारी बहुत सारी माएं बहनें पर्दा नहीं करती हैं, और जब पर्दा करने का हुक्म दिया जाता है तो दलील ये देती है कि असल पर्दा तो दिल का पर्दा है, आंखों का पर्दा पर्दा नहीं है, असल पर्दा तो दिल का पर्दा है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो कि तुम्हारा दिल ज्यादा साफ सुथरा है या नबी के सहाबा का दिल ज्यादा साफ सुथरा था? मेरी प्यारी माओ बहनों, तुम ज्यादा शर्म हया वाली हो या मेरे नबी की औरतें ज्यादा शर्म हया वाली थी? जब मेरा रब कह रहा है कि मेरे नबी के सहाबा को भी पर्दा करना है और मेरे नबी के की बीवियों को भी पर्दा करना है, उनको भी सहाबा के सामने नहीं आना है, तो मेरी प्यारी माओ बहनों, हमारी और आपकी क्या औकात है? उसके बाद कहा, मा कान लकुमन तूजू रसूल अल्लाह, तुम्हें मेरे रसूल को तकलीफ पहुंचाने का कोई हक नहीं है, और मेरे नबी की बीवियों से तुम शादी भी नहीं कर सकते हो। यह कानून है कि मेरे नबी की बीवियां, अगर मेरे नबी का इंतकाल हो जाएगा तो उनकी बीवियों से तुम कभी शादी नहीं कर सकते हो, यह अल्लाह का कानून है। उसके बाद नबी अकरम के ऊपर दरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म दिया गया, इन अल्लाह وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। अल्लाह और उसके फरिश्ते मेरे नबी के ऊपर दरूद भेजते हैं। अल्लाह कैसे दरूद भेजता है? अल्लाह अपने नबी के ऊपर रहमतें नाजिल करता है। फरिश्ते कैसे दरूद भेजते हैं? फरिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं। या ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, और ए ईमान वालों, तुम भी मेरे नबी पर दरूद पढ़ा करो और सलाम पढ़ा करो। सलाम हम कैसे पढ़ते हैं? सलाम हम वैसे पढ़ते हैं जैसे हमारे नबी ने हमें सिखाया है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हम हर नमाज में अपने नबी के ऊपर सलाम पढ़ते हैं। हां, हम वो वाला सलाम नहीं पढ़ते जो इंडिया के अंदर तैयार किया गया है, हम वो सलाम पढ़ते हैं जो मदीना के अंदर आज से 1400 साल पहले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबी को सिखाया, अपने सहाबा को सिखाया था। और दरूद कैसे पढ़ेंगे? दरूद पढ़ने का तरीका, सहाबा ने अल्लाह के रसूल से पूछा, बुखारी
बुखारी की रिवायत है, अय अल्लाह के नबी सलाम तो पढ़ने का आपने तरीका हमें सिखा दिया है, दरूद कैसे पढ़ा करें? नबी अकरम ने दरूद सिखाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद अल्लाह के नबी ने सिखाया और तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि सबसे बेहतरीन दरूद यही दरूद है। तो दरूद कसरत से पढ़ा करो, जब जब फुर्सत मिले दरूद पढ़ो। अल्लाह के नबी की हदीस है, तिर्मिजी की सही रिवायत है, औलन्ना से भी यौमल कियामत अक्सरहुम अलैया सलातन, कयामत के दिन सबसे ज्यादा करीब मुझसे वो लोग रहेंगे जो मेरे ऊपर सबसे ज्यादा दरूद पढ़ेंगे। और अल्लाह के रसूल एक दूसरी हदीस में कहते हैं, मन सल्ला अलैया सलातन, जो एक बार मेरे ऊपर दरूद पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला की 10 रहमतें नाजिल होंगी, 10 गुना माफ होंगे और 10 दर्जे अल्लाह ताला बुलंद करेगा। लिहाजा जब भी मौका मिले तो दरूद इब्राहिमी पढ़िए, या कम से कम जब भी अपने नबी का नाम सुनिए तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दरूद की एक शक्ल है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जरूर पढ़ा कीजिए। उसके बाद मुसलमान औरत की पहचान बताई गई कि मुसलमान औरत की आईडी क्या है, मुसलमान औरत की आइडेंटिटी क्या है। बहुत प्यारी आयत है, बहुत प्यारी बात है, सुनिए, या अय्युहन नबी कुल अजवाजी का व बनाती का व निसा इल्मोमिनीन, ऐ नबी तुम अपनी बीवियों से कह दो और अपनी बेटियों से कह दो और तमाम मुमिना औरतों से कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबी बिहिन्ना, के जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर जिलबाब डाल लें। जिलबाब किसको बोलते हैं? जिलबाब किसको कहते हैं? जिलबाब का मतलब होता है वो कपड़ा जो औरत के पूरे बदन को कवर कर ले। अब उसको नकाब बोलिए, अबा बोलिए, पर्दा बोलिए, हिजाब बोलिए, कपड़ा ऐसा होना जो औरत के पूरे बदन को ढांप दे। कुरान कह रहा है कि ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो और अपनी बेटियों से कह दो। अगर यहीं पर कुरान बस कर देता तो हो सकता है कि मसला निकालने वाले मसला निकाल लेते कि पर्दा का हुक्म सिर्फ नबी की औरतों को था, तो आगे कहा वह निसाइल मोमिनीन, तमाम औरतों से कह दीजिए। क्या कह दीजिए? युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबी बिना, जब वो घर से निकले तो जिलबाब में निकले, पर्दे में निकले, नकाब में निकले, बुरके में निकले, चादर में निकले, अपने आप को कवर करके निकले। क्यों निकले? पर्दा क्यों करें? जिलबाब क्यों डाले? अल्लाह ताला ने आगे वजह भी बता दी, जालिका अदना अयो रफना फला यूज़ैन, ये पर्दा तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगा, ये पर्दा तुम्हारी पहचान बन जाएगा, ये पर्दा तुम्हारी आईडी बन जाएगा। जब तुम पर्दे में निकलोगी तो समाज के बदमाश लोग, समाज के बदतमीज लोग समझ जाएंगे अब इस औरत के ऊपर दाल गलने वाली नहीं है, ये तो मुकम्मल पर्दे में निकली है। और आज आप मंजर देख लीजिए मेरे प्यारे भाइयों, आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, एक औरत अगर मुकम्मल पर्दे में है, शर्त यह है कि पर्दा भी पर्दे वाला हो, पर्दा ऐसा ना हो जैसा आजकल चल रहा है। हैदराबाद के अंदर आप जाके देख लीजिए, नकाब के नाम पर नकाब का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे ऐसे नकाब आ रहे हैं मार्केट के अंदर कि अगर औरत उस नकाब के बगैर रहती तो शायद उतना अट्रैक्शन ना रहता जितना उस नकाब ने पैदा कर दिया। अगर नकाब ऐसा है जो गैरों की नजर को और ज्यादा खींच रहा है तो मेरी प्यारी माओ बहनों, बेहतर है कि आप ऐसा नकाब मत पहनिए। कहा कि ये नकाब, ये पर्दा इसलिए तुमको दिया जा रहा है ताकि पहचान लिया जाए कि ये शरीफ घर की लड़कियां हैं, ये पाक दामन लड़कियां हैं। और आज मुशाहदा कर लीजिए, एक लड़की अगर नकाब में निकल रही है और एक लड़की मिनी स्कर्ट पहनकर निकल रही है और दोनों सड़क पर गुजर रही हैं और समाज के जो थर्ड क्लास के टपोरी किस्म के लड़के हैं उनकी तवज्जो किसकी तरफ जाएगी बताने की जरूरत नहीं है। ये आइडेंटिटी है, ये पहचान है। अरे मुसलमान औरतों, जब तुम नकाब में निकलोगी तो लोग पहचान लेंगे कि ये शरीफ घरों की लड़कियां हैं, फला यू हुसैन, और उसके बाद फिर तुम्हें कोई टच करने की हिम्मत नहीं करेगा। देखिए एक बात बोलूं, जब रिस्पांस मिलता है तभी कोई काम होता है। आज मुसलमान घरों की लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं। इसका मैं ये मतलब नहीं कि मुसलमानों के साथ भागे तो जायज है, लेकिन आप सोचिए कि मुसलमान घर की लड़की इस हद तक
रही है कि अपने पूरे समाज की, पूरे घर की, अपने बाप की, सबकी नाक कटवाने के लिए तैयार है, हम सिर्फ लड़के को दोष देंगे? नहीं नहीं नहीं, रिस्पांस दोनों तरफ से होता है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह ताला मुसलमान औरतों को जैसा रहने का हुक्म दे रहा है, अगर औरत वैसे रहे तो क्या मजाल है कि किसी की नीयत खराब हो सके, क्या मजाल है कि किसी को गलत काम करने। अब उसके बाद अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी में कोई हादसा लिखा है वो एक अलग बात है। रेप करने वाले तो 6-6 साल की बच्चियों के साथ भी रेप कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने एक औरत की इज्जत को सिक्योर। अच्छा, हो सकता है किसी औरत के दिमाग में यह सवाल पैदा हो कि इस्लाम के अंदर पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया, दूसरे मजहब की औरतें आजाद घूम रही हैं, जींस की पैंट पहन के घूम रही हैं, टी शर्ट पहन के घूम रही हैं, और हमसे कहा जा रहा है कि नकाब में निकलो, ये करके निकलो, वो करके निकलो, खुशबू मत लगाओ, हमारे ऊपर इतनी सख्ती क्यों है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये मोबाइल है, कितने वाला मोबाइल होगा आप सब? ये 8-10 हजार का होगा। अब ये 8-10 हजार का मोबाइल है मेरे हाथ में, अब ये ऐसे ही है, इस पर ना कोई कवर है, न कोई जो है कोई बहुत ज्यादा इसकी हिफाजत का इंतजाम नहीं किया गया। 8-10 हजार वाला मोबाइल है, गिर भी गया, खराब भी हो गया तो दूसरा ले लेंगे। और इसी की जगह अगर आईफोन होता जो 40 हजार में आता है, तो जनाब उसका बेहतरीन मोबाइल से खूबसूरत तो उसका कवर रहेगा, और उसको इतना संभाल के रखेंगे कि अरे ये अगर गिरा तो 40 हजार का फटका लगेगा। तो जो चीज जितनी कीमती होती है, अब एक मामूली सी पेन आप अपने 5 रुपए वाली 10 रुपए वाली पेन है तो वो जेब में लगाते हैं, और अगर पेन जो है चांदी की हो, सोने की हो, तो जेब में लगाते भी हैं तो मार्केट में पकड़े रहते हैं, कहीं कोई चोर उचक्का लेके चला ना जाए। तो जो चीज जितनी कीमती है उसको आदमी उतना ज्यादा कवर करके रखता है, उतना ज्यादा पर्दे में रखता है। इस्लाम ये बताना चाहता है कि औरत तो अल्लाह की नजर में कीमती है, ए मुसलमान औरत तो अल्लाह की नजर में कीमती है, तो इतनी सस्ती नहीं है, तो इतनी हल्की नहीं है कि जो जिसका जी चाहे तेरे पैर का जायजा ले, तेरे हाथों का जायजा ले, तेरे बदन का जायजा ले, तेरी पीठ का जायजा ले, तू इतनी सस्ती नहीं है। आज लोग कहते हैं हमने औरत को आजाद कर दिया, आजाद नहीं किया है, औरत की इज्जत को लूटा है, औरत की इज्जत को नीलाम किया है। आज मोबाइल, आज हालत यह है कि मार्केट के अंदर वो सामान जिसमें औरत का कोई काम ही नहीं है, साइकिल का रिक्शा, रिक्शे का टायर भी अगर मार्केट में बिक रहा है तो कोई औरत जब नंगी होकर उसका प्रचार करती है तब बिक रहा है। मर्दों के खाने वाला गुटखा भी मार्केट में तब बिक रहा है जब कोई औरत आधे अधूरे कपड़े पहनकर उसका एडवर्टीजमेंट कर रही है। ये हालत है औरत की। लोग बोलते हैं औरत को इज्जत दिया है, इज्जत तो इस्लाम ने दी है, इज्जत तो इस्लाम ने दी है कि इस्लाम तेरा मकाम बढ़ा रहा है कि अरे मुसलमान औरत तो पर्दे में निकल ताकि दुनिया जान जाए कि मुझे टच करना आसान काम नहीं। और पर्दा करने वाली औरत अमेरिका के अंदर भी पर्दा करती है। क्रिकेटर देख लीजिए आप, साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर हाशिम अमला, उसकी बीवी भी क्रिकेट देखने के लिए आती है, मुकम्मल सर से पैर तक हाथों में दस्ताने तक पहन के आती है। तो वो ऐसे मुल्क में रहते हैं वो लोग जहां लोग नंगे घूमते रहते हैं, लोग जो है इनर वियर में घूमते रहते हैं, कोई किसी को परवाह नहीं है। लेकिन जिसको पर्दा करना होता है मेरी प्यारी माओ बहनों, वो ऐसे माहौल के अंदर भी वो अपने आप को पर्दे में रखती है। एक फिरका है जो ये कहता है कि नबी की सिर्फ एक बेटी थी फातिमा। एक फिरका ऐसा है अपने आप को मुसलमान कहने वाला, वो कहता है कि नबी की 4 बेटियां नहीं थी, नबी की एक बेटी थी फातिमा, बाकी 3 बेटियां तो दूसरे की थी, वो हजरत खदीजा ने पाला था, अल्लाह के नबी ने पाला था, वो दूसरों की बेटियां थी। कुरान करीम की ये आयत उनके मुंह पर थप्पड़ है, ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दो। कुरान करीम बेटियों का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, यानी कुरान ये बता रहा है कि मेरे नबी की एक से ज्यादा बेटियां हैं। बनात का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, और अरबी जुबान में कम से कम 3 लड़कियों के लिए बनात का लफ्ज इस्तेमाल होता है, यानी कुरान ये बता रहा है कि मेरे नबी की एक से ज्यादा बेटियां हैं। अकीदे की इस्लाह करनी हो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुरान पढ़ते चले जाओ, अकीदा बनाते चले जाओ। अच्छा, कुछ होते हैं बाबा लोग, बोलते हैं हमारे पीछे चलो हम तुमको जन्नत में लेके जाएंगे, हमारा दामन पकड़ लो, अपनी अपना पता नहीं और अपना दामन पकड़वा रहे हैं, मेरा दामन पकड़ लो बच जाओगे। ऐसे बाबा लोगों का अंजाम क्या होने वाला है सुनिए। यौम तुकल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, कयामत के दिन
उनके चेहरों को जहन्नम में उल्टा पलटा जाएगा। उल्टा पलटा का मतलब समझते हो? कभी चिकन फ्राई होते हुए देखा है? चिकन फ्राई करने वाला कैसे फ्राई करता है? एक ही साइड में करता है, एक साइड को पलट देता है, दूसरी तरफ करता है, फिर उधर को फिर पलट देता है। इनके चेहरों को फ्राई किया जाएगा। यौम तुकल्लब वुजूहुहुम फिन्नार, जहन्नमियों के चेहरों को जहन्नम की आग में अल्लाह ताला फ्राई कर देगा, उनके चेहरों को पलटा जाएगा और वो कहेंगे या लैतना अतानल्लाह वातानर रसूला, काश हमने अल्लाह की इताअत की होती, काश हमने रसूल की इताअत की होती। या लैतना अतानल्लाह वातानर रसूला, कहेंगे अल्लाह काश हमने तेरी बात मानी होती, तेरे नबी की बात मानी होती। रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना, हाय अल्लाह हमने अपने बाबाओं की बात मान ली, हमने अपने बुजुर्गों की बात मान ली, हम अपने बड़ों के चक्कर में पड़ गए। फअज़ल्लून सबीला, हाय अल्लाह इन बाबाओं ने हमको भटकाया था, इन बाबाओं की वजह से हम तेरे रास्ते से हट गए थे। हाय अल्लाह तो इन बाबाओं को, हमें भटकाने वालों को तू डबल अजाब दे। आते हिम ज़ेफ़ैन मिनल अज़ाब, हाय अल्लाह तो इनको डबल अजाब दे। वल अनहुम लानन कबीरा, और ऐ अल्लाह तू इनके ऊपर अपनी लानत बरसा। उसके बाद हजरत मूसा अलैहि सलाम का एक वाकया बयान किया गया है। मूसा अलैहि सलाम बहुत खूबसूरत थे और जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी बिल्डर भी थे, लेकिन कभी किसी के सामने कपड़ा नहीं उतारते थे। आजकल हमारे नौजवान थोड़ी सी बॉडी हो जाए तो पहले वो अपना टी शर्ट वी शर्ट उतार के दिखाएंगे, हाँ देखो मेरे पास बॉडी मसल्स है मेरे पास। मूसा अलैहिस्सलाम कभी भी अपनी बॉडी किसी को नहीं दिखाते थे। तो बनी इसराइल के लोग कहने लगे कि लग रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बदन पे कोई बीमारी है, कभी ये कपड़ा नहीं उतारते, कभी ये कपड़ा उतारते नहीं, लग रहा है कि इनके बदन पे दाग हैं। अब बातें बनने लगी, बनी इसराइल में यह शोर उठ गया कि मूसा अलैहिस्सलाम कभी किसी के सामने कपड़ा नहीं उतारते, इसका मतलब कि इनके बदन पे दाग है। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम नहा रहे थे, अकेले में नहा रहे थे दरिया के पास, कोई था नहीं वहां पे, तो कपड़ा उतार के नहा रहे, जाहिर सी बात है कपड़ा उतार के आदमी नहाएगा। कपड़ा उतार के पत्थर पर रखा, अल्लाह ताला ने पत्थर को जान दे दी, पत्थर इनका कपड़ा लेके भागने लगा। अब ये पत्थर का पीछा कर, मैं कहां भाग रहा है तू, मेरा कपड़ा लेके मेरी इज्जत का फालूदा कर रहा है। अब ये पीछे पीछे पत्थर आगे आगे कपड़ा लेके भाग रहा है। ओ पत्थर गुजरा, बनी इसराइल के कुछ लोग बैठे हुए थे वहां से गुजरा। अब इनका ऊपर का कपड़ा उतरा हुआ है, नीचे लुंगी वगैरह पहने हुए हैं, लोगों ने इनका बदन देख लिया और वो गलत फहमी अल्लाह ताला को दूर करना था, वो गलत फहमी दूर हो गई। सारी कौम ने देख लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा बदन बिल्कुल सही सलामत है, इंतहाई खूबसूरत है, स्मार्ट है, हैंडसम है, कोई उनके बदन में कोई कमी नहीं है। उस मौके पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, ऐ ईमान वालों तुम उनकी तरह ना हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई थी। फबर्राहुल्लाहु मिम्मा कालू, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी तकलीफ से बरी कर दिया, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की हकीकत को सामने बयान कर दिया। ऐ ईमान वालों तुम उनकी तरह ना हो जाना, बनी इसराइल की तरह ना हो जाना, बनी इसराइल ने मूसा को सताया तो तुम मेरे नबी को तकलीफ ना देना, तुम मेरे नबी को ना सताना जैसे मेरे नबी को मुनाफिकीन सताया करते थे। मेरे नबी जब माले गनीमत तकसीम किया करते थे तो एक मर्तबा एक मुनाफिक खड़ा हो गया, कहने लगा अए मोहम्मद तुम इंसाफ करो, अए मोहम्मद तुम माले गनीमत बांटने में इंसाफ करो। अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, आपने फरमाया वमैया दिल इज़ा लम अदिल, अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन भला इंसाफ करेगा। अल्लाह के नबी को गुस्सा तो बहुत आया मगर आपने कंट्रोल किया, आपने कहा कि मुझसे तो ज्यादा मेरे भाई मूसा को सताया गया था, मूसा को तकलीफ दी गई थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने कामयाबी हासिल करने का नुस्खा बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो, वकूलू कौलन सदीदा, और सही बात करो। सदीदा किसको बोलते हैं मालूम है? जब तीर चलाते हैं तो तीर बिल्कुल सीधा, कमान के अंदर तीर बिल्कुल सीधा रखना
ताकि निशाने पर लगे, तो उसको अरबी में सदीदा बोलते हैं। अल्लाह ताला कह रहे तुम बात करो तो सदीदा करो, दुरुस्त बात करो, सही बात करो। और सदीदा का वर्ड यूज करके अल्लाह ताला ने एक नुक्ता और दिया कि बात जो होती है वो तीर की तरह होती है, एक बार निकल गई तो वापस आने वाली नहीं, लिहाजा नाप तौल के बोला करो, सोच समझ के बोला करो। ऐ ईमान वालो, तुम जब भी बात करो तो सही बात करो, जब तुम्हारी बात सही होगी तो युसले लकुमामा लकुम, तुम्हारा काम भी सही हो जाएगा। बात सही होगी तो काम सही होगा, पहले बात तो सही करो, अल्लाह ताला काम तो ऑटोमेटिक सही कर देगा। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। वमन युतिल्लाह व रसूलहू फकद फाज फौजन अज़ीमा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है अल्लाह उसको कामयाब कर देता है। उसके बाद सूरह सबा शुरू होती है। सूरह सबा के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत पावर दिया था, जिन्नात उनके कंट्रोल में थे, और जिन्नात कुरान कहता है या मलून लहू मा यशाऊ मिन महारीब, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते थे, बड़े बड़े मुजस्मे बना देते थे, स्टैचू। इससे यह पता चलता है कि शायद सुलेमान अलैहिस्सलाम की शरीयत में स्टैचू बनाना जायज था, हमारी शरीयत में हराम है स्टैचू बनाना। तो बड़े बड़े मेहराब बनाते थे, स्टैचू बनाते थे, और क्या बनाते थे, वजिफानुन कल जवाब, इतनी बड़ी बड़ी लगन बनाते थे कि ऐसा लग रहा था कि तालाब है। लगन समझते, लगन टब, पानी का टब। इतना बड़ा बड़ा ये जिन्नात टब बनाते थे कि जितने बड़े में पूरा तालाब बन जाए। कुदूरी रासियात, और बड़ी बड़ी देगें, हजारों लोगों का खाना जितनी देग में तैयार हो जाए, बड़ी बड़ी देगें बना देते थे। जिन्नात के पास इतना पावर था, और जिन्नात हजरत सुलेमान के कंट्रोल में थे। लेकिन जानते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, मौत हो गई, और जिन्नात को पता नहीं चला। फलम्मा कज़ैना अलैहिल मौता, जब हमने सुलेमान की मौत का फैसला कर दिया, जब उनको मौत आ गई, मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाबतुल अर्ज़ ताकुलु मिनसाता, तो सुलेमान की मौत के बारे में जिन्नात को पता नहीं चल सका। जिन्नात के पास इतना पावर था, मगर आलिमुल गैब नहीं थे। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम कुर्सी पर बैठे हुए हैं और मर चुके हैं, लंबा टाइम गुजर गया, ऐसे ही बैठे हुए आंखें खुली हैं, लग रहा है कि जिंदा हैं, और जिन्नात को खबर नहीं कि मर चुके हैं। जब उनकी कुर्सी को दीमक ने, दीमक जानते हैं, दीमक, दीमक ने खा के कुर्सी को खोखला कर दिया, और कुर्सी धड़ाम से गिरी, और सुलेमान इस्लाम की डेड बॉडी जब नीचे गिरी, तब जिन्नात को पता चला कि ओह हो, इनका तो इंतकाल हो चुका है। कुरान हकीम यह बता रहा है कि जिन्नात के पास इतना बड़ा पावर था कि पहाड़ों के जैसी देगे तैयार कर देते थे, लेकिन उनके पास भी इल्मे गैब नहीं था। इल्मे गैब अगर किसी के पास है तो अल्लाह के पास है, आलमुल गैब अगर कोई है तो अल्लाह है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कौम सबा का वाकया बयान किया है। ये कौम सबा कौन सी कौम है? ये वही कौम है मलके बिल्किस, जहां की रानी थी। यह कौम बड़ी खुशहाल थी, दोनों तरफ पहाड़ थे, और इन लोगों ने पानी को कंट्रोल करने के लिए उस जमाने में डैम बनाया था, और इतना शानदार डैम बनाया था कि पानी जहां इनको जरूरत पड़ती थी वहां पानी पहुंच जाता था। कुरान कहता है लकद कान अली सबइन फी मस्कन हिम आयतुन, याद करो मेरे बंदों कौम सबा को, कौम सबा के अंदर भी बड़ी निशानियां हैं। कौम सबा के इलाके में इतनी आबादी थी, इतनी खुशहाली थी कि दोनों तरफ जन्नतैन यमीनी व शिमाल, दोनों तरफ बाग ही बाग नजर आ रहे थे, जहां देखो तो हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। अल्लाह ताला ने इतना नवाजा था, और अल्लाह ताला बस एक ही मुतालबा कर रहा था, कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहू, ऐ कौम सबा के लोगों तुम अल्लाह की नेमतों को खाओ पियो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन उन लोगों ने अल्लाह की नाशुक्री की, अल्लाह के साथ शिर्क किया। नतीजा यह निकला कि अल्लाह ताला ने एक चूहे को भेज दिया, चूहा, और चूहे ने उनके डैम में जाके सुराख कर दिया। कोई मजाक बात है? चूहा के अंदर इतनी पावर, इतना पावर कैसे आ गया कि डैम के अंदर उसने जाके सुराख कर दिया, डैम के अंदर सुराख कर दिया, पूरा सैलाब आ गया, पूरा शहर तबाह हो गया। जैसे आपके यहां 2009 में आया था ना सैलाब, बहुत सारे लोगों की दुकानें डूब गई थी,
सोचिए कि उस जमाने में अल्लाह ताला कहता है फअरजू फअरसलना अलैहिम सैलल अरीमी, हमने ऐसा सैलाब भेजा कि पूरी बस्ती तबाह हो गई और सारे बाग जितने मेवे फल फ्रूट के बाग थे सब तबाह हो गए। अब फल फ्रूट की जगह कड़वे कसैले फल निकल रहे थे और कांटेदार झाड़ियां थी, पूरी कौम का सत्यानाश हो गया। अल्लाह ताला कह रहा है कि देखो ये हमारा कानून है, तुम हमारी नाशुक्री करोगे हमारा शुक्र अदा करोगे, हम दौलत पर दौलत देंगे इज्जत पर इज्जत देंगे, और नाशुक्री करोगे तो हम तबाह करने में भी देर नहीं करेंगे। वहल नुजाजी इल्लल कफूर, हम बर्बाद, हम सजा उन्हीं लोगों को देते हैं जो नाशुक्री करते हैं। उसके बाद सूरह फातिर शुरू होती है। सूरह फातिर में अल्लाह ताला ने उन लोगों का एक नक्शा खींचा है जिनके दर पर आज लोग जाके मांगते हैं। والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके आगे हाथ फैलाते हो, मा यमलिकून मिन कितमीर, वो तो कितमीर के भी मालिक नहीं है, वो तो खजूर की गुठली के ऊपर जो एक मामूली सा छिलका होता है, खजूर नहीं का, खजूर की गुठली नहीं का, खजूर की गुठली के ऊपर जो एक हल्का सा बारीक सी झिल्ली होती है, छिलका होता है। फरमाया कि तुम अल्लाह को छोड़कर जिनसे मांगते हो वो तो उस छिलके के भी मालिक नहीं है। इन तदउहुम ला यस्मऊ दुआकुम, तो उनको जितना भी पुकारोगे वो तुम्हारी पुकार को सुनने की ताकत नहीं रखते। वलो उस समय हूं, और अगर अल्लाह ताला उनको सुना भी दे वो सुन भी ले, मस्तजाबू लकुम, तो तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं कर सकते। इतने बेबस हैं, इतने कमजोर हैं, इतने लाचार हैं, और तुम उनको मुश्किल कुशा मान रहे हो, तुम उनको गरीब नवाज समझ रहे हो, तुम उनको गौसे आजम समझ रहे हो। मेरे बंदो, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, तुम सारे के सारे अल्लाह के फकीर हो, मोहताज हो। अल्लाह ही गनी है, अल्लाह ही बेनियाज है, अल्लाह के अलावा जितने हैं सब फकीर हैं। मेरे नबी जितने दुनिया में आए, मेरे पैगंबर जितने दुनिया में आए, जितने वली दुनिया में आए, ये सारे के सारे अल्लाह के फकीर हैं, मोहताज हैं। उसके बाद यह कहा गया कि अल्लाह से वही लोग डरते हैं जो उलमा होते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से वही डरते हैं जो उलमा होते हैं। क्या मतलब? जो जामिया उमराबाद से फारिग रहते हैं बस वही डरते हैं, जो जामिया सल्फिया से पढ़े हुए हैं या जामिया इस्लामिया सनाबिल से पढ़े हैं, जो मौलवी लोग हैं बस वही लोग अल्लाह से डरते हैं और बाकी सब लोग बेवकूफ हैं। क्या मतलब हुआ इसका? उलमा का मतलब कि जो अल्लाह ताला को पहचानता हो। जितना अल्लाह को जानोगे उतना अल्लाह का डर पैदा होगा, जितना अल्लाह ताला की सिफात को समझोगे उतना अल्लाह का डर पैदा होगा। यह बताना चाहता है अल्लाह ताला, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में अगर उससे कोई डरता है तो उलमा डरते हैं, यानी अल्लाह को जानने वाले डरते हैं। उसके बाद कहा, ऐ बिजनेस करने वालों, कारोबार करने वालों, व्यापार करने वालों, तुम बिजनेस में हमेशा यह सोचते हो कि प्रॉफिट कहां मिलेगा। तुम हमेशा कारोबार जब करते हो तो ये सोच कर करते हो कि हम ऐसी जगह कारोबार करें, ऐसी जगह अपना पैसा लगाएं जहां हमको प्रॉफिट अच्छा मिले। आओ हम तुम्हें एक बिजनेस बताते हैं, उस बिजनेस में तुम्हें कभी लॉस होने वाला नहीं है, उस बिजनेस में तुम्हें प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलने वाला है। और प्रॉफिट भी कितना मिलेगा? कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, मेरे वो बंदे जो कुरान की तिलावत करते हैं, वअकामुस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं, वअन्फकू मिम्मा रज़क़नाहुम, और हमने जो उनको रोजी दी है उसमें से खर्च करते हैं, सिर्रन वअलानियतन, सबके सामने भी करते हैं और तन्हाई में अकेले में भी करते हैं। ऐसे लोग यरजूना तिजारतन लन तबूर, ऐसे लोग ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा कारोबार कर रहे हैं कि जिस कारोबार में कभी घाटा होने वाला नहीं है, नुकसान होने वाला नहीं है, ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, ले युवफियहुम उजूरहुम, कि अल्लाह ताला उनको पूरा पूरा प्रॉफिट देगा। और अल्लाह ताला कितना प्रॉफिट देगा मालूम है? अल्लाह ताला मिनिमम कितना प्रॉफिट देगा मिनिमम बताइए? 10 गुना। 10 गुना कितना हो गया? 1000%। डबल होता तो 100%। 1000% अल्लाह ताला कम से कम रिटर्न देगा। कौन सा बैंक इतना देगा बोलो? हीरा गोल्ड में इतने देंगे? इतना देंगे बोलो? कौन सी कंपनी इतना देगी?
अल्लाह ताला मिनिमम 10 गुना और मैक्सिमम 700 गुना ये तो प्रॉफिट देगा। वयजीदहुम मिन फजलिही, और उसके ऊपर भी अल्लाह जितना चाहेगा देगा। ये अल्लाह तबारक व ताला का बिजनेस है। अल्लाह अकबर। बस इतना ही काम करना है, कुरान की तिलावत करना है, नमाज की पाबंदी करना है और अल्लाह की राह में खर्च करना है। ये तीन काम कर लो, अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी लॉस होने वाला नहीं। उसके बाद सूरे यासीन शुरू होती है। सूरे यासीन की एक आयत पढ़ के मैं बात आज की खत्म करूंगा। सूरे यासीन के अंदर अल्लाह ताला ने एक बड़ी अजीब बात कही, यासीन वल कुरान अल हकीम। यासीन का क्या मतलब है? कुछ लोगों ने तर्जुमा किया है यासीन ए रसूल, गलत है ये तर्जुमा। यासीन का मतलब किसी को नहीं पता, जैसे अलिफ लाम मीम का मतलब किसी को नहीं पता, जैसे हामीम का मतलब किसी को नहीं पता, ऐसे यासीन का मतलब भी नहीं पता। यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, ऐ मेरे नबी कुरान की कसम आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला कुरान की कसम खा के कह रहा है कि ए मेरे नबी आप अल्लाह के रसूल हैं। कुरान उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ मार रहा है, वो मक्का के काफिर, जो मेरे नबी से कहा करते थे लस्त मुरसलन, आप रसूल नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला कुरान की कसम खा के कह रहा है कि ए मेरे नबी आप मेरे सच्चे रसूल हैं। और एक बात बोलूं, कुरान में अल्लाह ताला जब कहीं कसम खाता है तो जिस चीज की कसम खाता है उसको गवाह बनाता है। यानी अल्लाह ताला कुरान की कसम खा के कह रहा है कि मेरा नबी मेरा रसूल है और तुम्हें सबूत चाहिए तो कुरान को देख लो, कुरान गवाही दे देगा। कुरान पढ़ के समझ जाओ, कुरान का एक एक लफ्ज चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और आगे फरमाया अला सिरातिम मुस्तकीम, और मेरे नबी के पीछे पीछे चलो, मेरा नबी जो रास्ता तुम्हें बता रहा है वो सिरात मुस्तकीम है। ये वही रास्ता है जो तुम 5 टाइम की नमाज में कम से कम 17 बार अपने रब से मांगते हो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तुमको सीधे रास्ते पे चला। वो रास्ता तुम्हें अगर कहीं पर मिलेगा तो अल्लाह के प्यारे नबी के पास मिलेगा। वह इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, ऐ मेरे नबी आप सिरात मुस्तकीम के ऊपर हैं, जो आपके पीछे पीछे चलेगा वो सिरात मुस्तकीम को पा लेगा। लिहाजा सिरात मुस्तकीम को कहीं और ढूंढने वाले होशियार हो जाएं। सिरात मुस्तकीम अगर कहीं मिलने वाली है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में मिलने वाली है। तो ये था 22वें पारे की तफसीर का खुलासा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है लाल आलमीन हम सबको अपने नबी की सच्ची इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी माओ बहनों को जो तालीमात 22वें पारे में दी गई हैं उन तमाम तालीमात पर हमारी माओ बहनों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को भी उन तालीमात को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ुबान की हिफाजत करने की तौफीक दे। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला हमें शिर्क की तमाम किस्मों से हमारी हिफाजत करे। अल्लाह ताला हमें अपनी रोज़ी रोटी जो अल्लाह हमें देता है उस पर हमें शुक्र करने वाला बनाए। अल्लाह हमें नाशुकरी से बचाए। अल्लाह हम सब की रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हम सब की रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमाए। हम में से जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा दे दे, जो कमज़ोर हैं अल्लाह उनको ताकत दे दे, जो परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह ताला आज की इस मुबारक रात में रमज़ान के आखिरी अशरे की इस रात में हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमारी गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद कर दे। ऐ अल्लाह तू अपने कुरान को अपने पाक कलाम को हमारे सीने की ठंडक बना दे, हमारी आंखों का नूर बना दे, हमारे गमों का इलाज बना दे। ऐ अल्लाह हम तुझसे तेरी रहमतों का सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह हम तुझसे तेरी मगफरत का सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह तू हर गुनाह से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तू हमें जन्नत अता फरमा। ऐ अल्लाह तू जहन्नम से हम सबको निजात अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें तू हमारे दिलों में तकवा पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें फ़ायदा पहुँचाने वाला इल्म अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबको कुशादा रोज़ी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह इतनी हलाल रोज़ी दे दे कि तेरे हराम से बेनियाज हो जाएँ। ऐ अल्लाह इतनी हलाल रोज़ी दे दे कि तेरे हराम से बेनियाज हो जाएँ। ऐ अल्लाह किसी और के दर का भिखारी न बना। ऐ अल्लाह अपने दर का भिखारी बना। ऐ अल्लाह आज की इस कद्र की रात में, इस मुबारक रात में, रमज़ान के इस आखिरी अशरे की रात में, ऐ अल्लाह तेरे नबी ने वो दुआ हमें जो सिखाई है हम उसी दुआ के ज़रिए तुझसे सवाल करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह तू बहुत माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है। परवरदिगार हम सबको भी माफ़ फरमा दे।
اے اللہ ہم تیرے اوپر اسلام لائے ہیں، تیرے اوپر ایمان لائے ہیں، ہر مصیبت میں ہم تیرا ہی سہارا لیتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، جو ہم نے پہلے کیا، جو بعد میں کیا، جو کھل کے کیا، جو چھپ کے کیا، جس کو تو جانتا ہے، صرف تو جانتا ہے، اے اللہ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے اور تو نے اگر نہیں بخشا، تو نے رحم نہیں کیا، تو اے اللہ ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ ہم ظالم ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سے جو لوگ اولاد سے محروم ہیں، اے اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں، اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کو ستا رہی ہے، اے اللہ ایسے لوگوں کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، جو اپنی بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ ان کو نیک اور صالح گھروں میں رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جو شادی شدہ زندگی میں پریشان ہیں، بیوی بچوں کا سکون ان کو میسر نہیں ہے، اے اللہ ان کی فیملی میں ہر قسم کا سکون تو نازل فرما دے۔ اے اللہ جو دکان اور کاروبار کو لے کر پریشان ہیں، اللہ ان کی ہر قسم کی روزگار کی اور پریشانی کو تو حل کر دے۔ اے اللہ جو سود کی اور بیاج کی دلدل میں پھنسے ہیں، اے اللہ تو ان کو سود کے اس دلدل سے نکل کے حلال روزی کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے بچے بگڑ رہے ہیں، بچے غلط راستے پہ جا رہے ہیں، اللہ ان کے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کو ان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جو بہنیں تیرے دین سے ہٹی ہیں، بے حیائی اور بے پردگی کے کاموں میں لگی ہیں، زناکاری اور بدکاری کے راستے پہ جا رہی ہیں، اے اللہ وقت رہتے ان کو سنبھل جانے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان عورت کو با عزت اور با عفت بنا دے، ہر مسلمان نوجوان کو با کردار اور با عفت بنا دے، ہم سب کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، ہماری تمام بہنوں کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ دنیا کے ہر علاقے میں، ہر خطے میں مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت حرمین کے اوپر بھی دنیا کی غلط نگاہیں ہیں، اے اللہ جہاں تیرا پاک گھر ہے، تیرے نبی کا پاک شہر ہے، آج ان دونوں شہروں پر بھی دشمنوں کی نگاہیں ہیں، اے اللہ اپنے ان دونوں پاک شہروں کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ تو مسلمان حکمرانوں کو اپنے دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو برباد کر دے، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اے اللہ ہماری آنکھوں کو اس بیت المقدس میں دو رکعت نماز پڑھ کے ٹھنڈک عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد میں، اس مسجد اقصی میں ہم سب کو دو رکعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ حج نہیں کیے ہیں، ان کو زندگی میں کم سے کم ایک بار حج کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کی ہمیں شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ حوض کوثر پر اپنے نبی کے ہاتھوں وہ کوثر کا پانی تو نصیب فرما کہ جس کے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراوی کو قبول فرما، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے جتنا قرآن پڑھا، جتنی نمازیں پڑھی، جتنی عبادت کی، اے اللہ ہمیں اقرار ہے، اعتراف ہے، ہم تیری عبادت کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، تیرے شکر کا حق تو ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، یہ گری پڑی عبادتیں تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم تجھ سے وہی دعا کرتے ہیں جو تیرے نبی، تیرے خلیل ابراہیم نے خانہ کعبہ کو بنانے کے وقت کی تھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔